प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि 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 अंजलि। अरे 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 बाबा, क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ मतलब क्या, ऐसे ही नहीं बुला सकते क्या हम? ऐसे कैसे? मैं मेथी की भाजी साफ कर रही थी। हाय, ये खूबसूरत हाथ क्या मेथी की भाजी साफ करने के लिए बने? माफ कीजिएगा जनाब, इन कामों में अपने आप को खर्च मत कीजिए। हमने आपके लिए कुछ शेर कहे हैं, मोहब्बत की शायरी की है। अरे वाह, इरशाद इरशाद। लेकिन उसके पहले मोहतरमा, आपसे एक छोटा सा सवाल है। पूछिए। हम पहली बार कब मिले थे? जनवरी। जनवरी, और पहली बार हम एक दूसरे को देख के कब खेले थे? फरवरी। और एक दूसरे के हम हो कब गए थे? मार्च। मार्च में, यानी कि मार्च में मिली थी हमें ये हसीना, पर अब मार्च अप्रैल में इतनी गर्मी के पसीना ही पसीना। वाह वाह, तो ये थी मेरी तारीफ में शायरी। हाँ, अरे जनाब, शायरी में तो फूल पेड़ पौधे ये सब होता है। हाँ हाँ, शायरी में पेड़ पौधे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, लेकिन इस कदर गर्मी है कि फूल मुरझा गए हैं, अपने चेहरे खुद फूकने लगे हैं, पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। पेड़ पौधों की कदर है, इंसान की तो कोई कदर ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, इंसानों को भी देता हूँ ना अटेंशन, लेकिन मार्च अप्रैल का महीना के हर इंसान को टेंशन। टेंशन? हाँ हाँ टेंशन। अब देखो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हिसाब किताब का टेंशन, बच्चों को सवाल जवाब का टेंशन, मिडिल क्लास को कितना टैक्स भरेंगे इसका टेंशन, स्टूडेंट को ये टेंशन कि एग्जाम में क्या करेंगे, पेरेंट्स को बच्चों के रिजल्ट के लिए पढ़ाई का टेंशन, घरवाली कहेगी कि गर्मी है सब्जी फ्रेश नहीं आएगी, सूनी सड़कें सूखे पत्ते गर्म हवाएं कितना सताएगी, है ना, टेंशन ही टेंशन। वाह वाह जना, क्या शायरी थी मोहब्बत पे। हाँ जी, द शायरी डेडिकेटेड टू मार्च एंड अप्रैल। वैसे आपकी ये शायरी, आप ही को मुबारक। अब आप देखना, मैं आपके लिए ऐसी शायरी बनाऊंगी कि दिसंबर की ठंडी में पसीना छूट जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अंजलि कैसी भी शायरी लिखे, सलाद से तो बेटर होगी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम्स सर पर है। कपूस सर पर है मतलब एग्जाम्स अभी नजदीक है, सबको कमर कस के पढ़ाई करनी है। ये क्या था? आपने तो कहा कि कमर कस के पढ़ाई करनी है। मेरी कहावत का मजाक उड़ा रहे हो टप्पू, कमर कस के मतलब मेहनत करनी है खाली बस। चलो अभी रिवीजन करते हैं। अभी मेरे सवाल का जवाब दो, विटामिन सी सबसे ज्यादा क्या खाने से मिलता है? बिडंगल। ओहो, बोलो बोलो। विटामिन सी सबसे ज्यादा विटामिन सी की टैबलेट खाने से मिलता है। एक गोया, बहुत हंसी आ रही है तुझे? हाँ चल, तू मुझे बता के ताजमहल किसने बनाया? मजदूरों ने। ये गोया किसने कहा तुम्हें ये? अरे भीड़ अंकल, हमारे स्कूल में जब कॉमेडी ड्रामा हुआ था ना, तभी यही सवाल का यही
ने दिया था, तभी पूरा स्कूल ऐसा था, सब सर टीचर सब ऐसे थे और आप डांट रहे हो। अरे गोलिया वो ड्रामा था, ड्रामा मनोरंजन का कार्यक्रम था, यहाँ पे सीरियसली पढ़ाई हो रही है, हमें पढ़ा। ये टप्पू, ये क्या गार्डन में बैठे हो, पांव फैला के आराम से बैठे हो, पायात में देखे एक नंबर का आलसी है तू। पता है पंडित नेहरू ने क्या कहा था, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन बीड़े अंकल, गांधी जी ने तो कहा था कि दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए। टप्पू तुम्हें किसी भी सवाल का सही जवाब देना आता ही नहीं। अरे बीड़े अंकल, हमने पूरे साल यही तो पढ़ा है। अरे ये सब सवालों के जवाब हमें आते हैं, हम एक का एक कितनी बार पढ़ेंगे। बराबर है बीड़े अंकल, आप एक ही सब्जी 3 दिन तक खाते रहे तो आप बोर नहीं हो जाओगे। तुम लोग रोज क्रिकेट खेलते हो तो बोर नहीं होते? बोलो ना, आप चुप क्यों हो? ओ टप्पू क्या हुआ, अभी बोर हो रहे? चलो अभी ये बताओ के बाबा मुझे मैच में सामने आ रहा है, सिखाओ ना। हाँ। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, अरे मैं यश को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ। अच्छा तू ठहरे, पहुँच गई? ओके ओके, अच्छा तू वेट कर वहाँ पे, मैं बस पहुँच रही हूँ। ओके बाय बाय। अरे मंजुला जी, आप इस वक्त यश को लेकर क्यों आई? अभी तो मेरी 7th class की ट्यूशन चल रही है। अरे वो एग्जाम आ रही है ना, इसके लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी इस ट्यूशन के बाद मुझे बाहर जाना है ट्यूशन देने के लिए। अरे तो क्या हुआ, यश तो सुनू के साथ यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर लेगा, और वैसे भी आपने देखा ये स्टडीज में कितना वीक हो गया है। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना, इसका रिपोर्ट कार्ड देखिए आप। तूने टिकट्स ले लिए? अच्छा जब बस मैं पहुंची। ओके बाय बाय बेटा, तू अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। बोलो बेटे की एग्जाम आ गई है और माँ को मूवी देखनी है। यश जी आपने कल का दिया हुआ होमवर्क किया? नहीं। वाटलस माला, अभी वही करना हा? अभी यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ मैं, जिसका जवाब तुम लोग को देना है। हा? ये शरारत किसने की? सर टप्पू ने। टप्पू उठ घर जा। लेकिन बीड़े अंकल, घर जा इससे पहले कि मैं तुम्हें डांटू या पनिश करूं, चल निकल यहां से। अब बीड़े अंकल मेरे चिपकली चाल लेगे तो। ये तू क्या ड्राइंग की बुक निकाल के बैठा है? पढ़ाई कर, पढ़ाई दूसरी बुक निकाल। बीड़े अंकल मैं भी निकलू? निकलू मतलब तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, पापा की तरह डॉक्टर नहीं बनना? अरे वो टप्पू की संगत छोड़ दो घोड़िया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई ना करने से, क्योंकि उसके पापा की दुकान है ना इलेक्ट्रॉनिक की, वो संभाल लेगा। लेकिन अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना तो डॉक्टर बहुत दूर की बात है, कंपाउंडर भी नहीं, नहीं वार्ड बॉय भी नहीं बनेगा तू। बाबा ये जरा मैथ्स का देखो ना। हाँ बेटा। आहो काय तुम्ही, मैं 2 दिन आत्या के घर क्या गई, अब कैसे आलू उठा के लेके आए, इसमें से आधे तो खराब हो चुके, अभी सब फेंक देने पड़ेंगे। ये माधवी फेंकना मत, मैं दुकान से बदली करके दूसरे लेके आऊंगा। अच्छा ठीक है। बाबा ये मैथ्स का सब मुझे सॉल्व ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा। हाँ महेश भाई। नहीं नहीं अभी के पास आ रहा हूँ ट्यूशन के लिए मैं, अभी हाँ बस निकल ही रहा हूँ। हाँ आई एम वेरी पंक्चुअल,
हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बाय। अरे माधवी, मैं महेश भाई के यहाँ ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ। थम्मा थम्मा, एक मिनट। अच्छा बच्चों, वैसे तुम्हारा क्लास का टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी आधा घंटा यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करनी है गोड़िया, क्योंकि तुम घर में तो पढ़ोगे नहीं। अच्छा सोनू, मैं आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तुम्हारा, अभी लेट हो रहा है मुझे। हो आहो, आप महेश भाई के घर जा रहे हैं ना, तो उनके मीटिंग में अंबिका जी रहती है, तो उनका अचार का ऑर्डर था, दे दीजिए ना प्लीज। माधवी, लेकिन मैं प्लीज जा ही रही है ना। नहीं बहू, जेठा आ जाए फिर साथ में खाना खाएंगे। बहू, दिन में एक बार पूरे परिवार को साथ में बैठ के ही खाना खाना चाहिए। आ गए टप्पू के पापा, टप्पू के पापा आ गए। तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे मैं 2-3 साल दुबई में नौकरी करके लौटा हूँ। अरे भाई, रोज घर पे आता हूँ, इसमें इतना खुश क्या हो रही है? आप चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। शांति रख भाई, जरा हाथ मुंह धोने दे, कपड़े बदलने दे। वो क्या है बापूजी, कब से आपकी राह देख रहे हैं कि आप आए तो साथ में बैठकर खाना खाए तो। ओ अच्छा, आइए बापूजी, कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं। आइए आइए। टप्पू का वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है। टप्पू पढ़ाई कर रहा है? हाँ। और ये नजारा तो देखने लायक होगा, देखना पड़ेगा। आ जाने दे जेठा को, फिर खाते हैं। टप्पू? हाँ पापा। पढ़ाई कर रहा है बेटा? हाँ पापा, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। पढ़ पढ़ बेटा पढ़, मन लगा के पढ़, इसी तरह पढ़ाई करता रहेगा तो एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कोट और टाई पहन के इंग्लिश में बातें करेगा, तेरा नाम के पीछे डिग्री होगी, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा MBBS। तभी पूरा कच्ची समाज, करमसी भाई, चांपसी भाई, लखमसी भाई, तलकचंद भाई, पूरा मौड़ी मंडल तेरा सम्मान करेंगे। हा? और तू स्टेज पे जाके स्पीच देगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे दादाजी की और मेरे पिताजी की वजह से हूँ। तभी हमें कितनी खुशी होगी। पढ़ पढ़ बेटा, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। सॉरी सॉरी, हाँ तुझे डिस्टर्ब किया। सॉरी बेटा सॉरी। ये माधवी है ना, ट्यूशन के वक्त ही आचार की डिलीवरी करने बोलती है। जेठालाल अब घर पे आ गया होगा, आज ही टप्पू की कंप्लेंट करता हूँ। ओ पेड़ो, उधर किधर जा रहा है यार? ओ अपना विंग तो इधर है, इधर किधर? अपने खास दोस्त से मिलने जा रहा है। हाँ क्यों? टप्पू की वजह से। सोड़ी, इस टप्पू की शरारत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे खुद तो पढ़ता नहीं है, दूसरे बच्चों को पढ़ने देता नहीं है। पता है आज मेरी क्लास में क्या किया पता है? क्या किया टप्पू ने? अरे नकली चिपकली दिखा के बाकी के बच्चों को डरा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा ना सोड़ी, तो खुद तो फेल होगा ही, बाकी के बच्चे भी फेल हो जाएंगे और नाम तो मेरा खराब होगा। नहीं नहीं, उसकी कंप्लेंट आज करनी है मुझे। छोड़ ना यार पीड़ू, बच्चे हैं, बच्चे इस उम्र में शरारत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब मुझे देख, मैं तो इस उम्र में भी कितनी शरारतें करता हूँ। सोड़ी तू समझा नहीं भाई, बच्चों को इसी उम्र में शिस्त लगनी चाहिए। अगर शिस्त नहीं लगी तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। नहीं नहीं, आज तो मैं उसकी कंप्लेंट करके ही रहूंगा। मैं तो कहता हूँ कि तू भी मेरे साथ चल।
एक से भले दो। ना 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 भाई, दो से भले एक। और मैं घर पे सही वक्त पर नहीं पहुंचा ना तो रोशन मेरी क्लास ले लेगी, उसको लगेगा मैं कहीं पार्टी शार्टी करने बैठ गया हूँ। ना जी ना, मैं उसके पास हाजिरी लगवाऊँ, उसके हाथ का लजीजदार खाना खाऊं, फिर मैं अब्दुल की दुकान पे तुझे सोडा पीने मिलता हूँ। चल भाई, ऑल द बेस्ट, एक से भले एक। आई फायदा। तेरा बापू जी देखने जैसा है, टप्पू सच्ची में पढ़ाई कर रहा है, बोलो। ए भाई, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे टप्पू पहली बार पढ़ाई कर रहा हो। लेकिन कमाल नजर है बापू जी, टप्पू के हाथों में किताब। चल चल, अभी भूख लगी है। हाँ चलिए चलिए। अरे दया, चलो चलो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भाई। अरे वाह जेठाल, आगे दुकान से? नहीं, अभी आधा घंटा लगेगा, रास्ते में यूं बस पहुंच ही रहा हूं। क्या भीड़ है, देख रहा है आ गया हूं, तब ऐसा फालतू सवाल पूछ रहा है, आ गया दुकान से। आओ बैठो बैठो। नहीं नहीं भीड़े भाई, यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए खाने खाने। अरे नहीं नहीं, थैंक यू दया भाभी। खाना नहीं खाना है? नहीं। तो इस वक्त कैसे आना हुआ भाई? चाचा जी, मैं टप्पू की शिकायत करने आया हूँ। अरे क्या भिड़े, तू भी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तू भी बच्चे जैसा हो गया। अरे शिकायत बच्चे करते हैं, बड़े नहीं। हाँ। लेकिन जेठालाल, टप्पू हरकत ही ऐसी करता है कि मजबूर होकर उसकी शिकायत करनी पड़ती है। आखिर कितना सहन करूं मैं? सहन करूं मतलब, ऐसा क्या किया है मेरे टप्पू ने? दया भाभी, टप्पू का ट्यूशन में पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसको कोई भी सवाल पूछो तो उसका उल्टा ही जवाब देता है। अरे उसकी शरारत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और उसकी शरारत देखकर बाकी के बच्चे भी शरारत करने लगे, और आज तो हद कर दी, नकली चिपकली दिखाकर डरा दिया बाकी के बच्चों को। मैं लास्ट वार्निंग देने आया हूं दया भाभी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसकी ट्यूशन नहीं लूंगा। ए भाई, ए भिंडी मास्टर, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे टप्पू दिन भर शरारत के अलावा कुछ करता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने, वो दिन भर शरारत ही करता रहता है, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि वो कहीं फेल ना हो जाए। नहीं चिंता मत करो भिड़े, मेरा टप्पू फेल नहीं होगा, मेरा टप्पू पास होगा। जेठालाल, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि पास होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि टप्पू पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि इस वक्त भी वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। कहते 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 कहे कहे, टप्पू पढ़ाई करता है और इस वक्त भी पढ़ाई कर रहा है। अशक्य, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। अरे मैं उसे इतना टोकता हूँ तो वो पढ़ाई नहीं करता, और घर में अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहा है। चलो की सरक, चलो हम दोनों जाके उसके कमरे में देखते हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहा होगा तो तू मुझे 1000 रुपया देगा, और अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो मैं तुम्हें 10000 रुपया दूंगा। बोलो। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? कायते कायते समझ ला था, कायते चला शरत राव। चलो चलो। शर्त शर्त लगाई है मेरे खास दोस्त जेठालाल ने अपने बच्चे की पढ़ाई पर कि भाई अगर टप्पू पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो मैं 1000 के 10000 दूंगा भिड़े तुम्हें। भाई कमाल की बात है, शर्त हमेशा अतिरिक्त आत्मविश्वास का प्रतीक होती है। आपसे भी कहता हूँ, जिंदगी में शर्तें मत लगाइए, विश्वास पैदा कीजिए। और रुपए पैसे की शर्तें, ये तो कोई खास अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी मसला ये नहीं है कि शर्त अच्छी बात है या नहीं, मसला ये है कि अगर जेठालाल ये शर्त हार जाते हैं तो सिर्फ 10000 ही नहीं देने पड़ेंगे, भिड़े से हजारों ताने भी सुनने पड़ेंगे, और जो अपमान होगा वो अलग। लेकिन आप टप्पू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूँ टप्पू को, वो इतनी आसानी से हाथ आने वाला तो नहीं है। आपको क्या लगता है, वो पकड़ा जाएगा?
या अपने आप को बचा लेगा या वो साबित कर देगा कि वो पढ़ाई कर रहा था। भाई मुझे कुछ नहीं पता, अब इस शर्त का क्या हाल होता है, किसी के 1000 जाते हैं या 10,000, लेकिन आपके लिए 1000 उठा के देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।